Hello everyone and welcome to my YouTube channel UGC NET PUBLIC ADMINISTRATION. This is the second video of MCQs of Teaching Aptitude series. तो I hope आपको पहला वाला जो MCQ का वीडियो था पसंद आया होगा. Please like, share and subscribe to my channel अगर ये वीडियो भी अच्छा लगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो देखते हैं तो कितना आपने जो है लर्न किया है स्लाइड्स से. ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है, ये पहला क्वेश्चन है, प्लीज़ आप अपने लेवल पे जो है क्वेश्चन का आंसर दीजिए और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया. ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो बीच में. तो पहला क्वेश्चन है, हु गेव रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ऑप्शंस आर हार्बर्ट, मॉरिसन, बोथ ए एंड बी और हंट. ठीक है, किसने दिया रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को? राइट आंसर इज हंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव गिवन बाय गगनी एंड ब्रिक्स. गगनी और ब्रिक्स ने जो है क्लासिफिकेशन दी टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की, वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शंस आर इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, मोटर स्किल्स और ऑल ऑफ द अबव. योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों जो है इन्होंने दिया है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में. ठीक है, इसको आपने याद रखना कि अगर पूछा जा चुका है एग्जाम में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग डज नॉट इंक्लूड. जो इंडिविजुअलाइज्ड मेथड होता है टीचिंग का, उसमें क्या नहीं होता है? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है. ठीक है, अगर नहीं है तो मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे. ठीक है, नेगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा टफ होते हैं. ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या हैं? असाइनमेंट, केस स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या फिर ट्यूटोरियल. इनमें से कौन सा जो है इंडिविजुअल मेथड नहीं है, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड नहीं है टीचिंग का? तो राइट आंसर इज ट्यूटोरियल्स. ठीक है, ट्यूटोरियल जो है नहीं है, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड है. बाकी तीन जो है आपके इंडिविजुअलाइज्ड मेथड है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स ऑफ टीचिंग डज नॉट इंक्लूड. जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होती है टीचिंग की, इसमें से कौन सी नहीं है? आपकी ऑप्शंस हैं स्लाइड्स, चार्ट्स, ग्राफ्स या फिर डिस्प्ले बोर्ड. कौन सा जो है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स जो है टीचिंग का, इसमें से नहीं है? बाकी तीन तो है लेकिन एक नहीं है. योर राइट आंसर इज स्लाइड्स. ठीक है, स्लाइड्स नहीं है, प्रोजेक्टेड एड्स होता है. ठीक है, नॉन प्रोजेक्टेड में आपका चार्ट्स, ग्राफ, डिस्प्ले बोर्ड आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस. कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया था भाई? ऑप्शंस हैं आपके एडगर डेल, मॉरिसन, टेलर और नन ऑफ द अबव. योर राइट आंसर इज एडगर डेल. चलिए, वर्ल्ड टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 5, September 10, October 5 और September 10. योर राइट आंसर इज October 5. ठीक है, वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है October 5 और हमारे देश में नेशनल टीचर डे जो होता है वो कब होता है? September 5. ठीक है, उसके बाद मेथड्स ऑफ बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड. जो मेथड्स होते हैं बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट के, उसमें से कौन सा नहीं है? पहला है इमीडिएट एक्शन, चेंज सीट्स, टॉक टू पेरेंट्स, लीव द क्लास. बाकी तीन इसमें है लेकिन एक इसमें नहीं है, कौन सा नहीं वो आपने आइडेंटिफाई करना है. योर राइट आंसर इज लीव द क्लास. जब आप क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हो, आप इमीडिएट एक्शन तो लेते ही हो, चेंज भी करते हो सीट्स आपके स्टूडेंट्स के जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, पेरेंट्स से भी बात करते हो कि ज़्यादा ही कुछ दिक्कत हो जाए. ठीक है, लेकिन आप क्लास छोड़ के नहीं जाते हो. ठीक है, आपको मैनेज करना ही पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग. ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग किसने दिया भाई? आर्मस्ट्रॉन्ग, हंट, ब्रिग्स या फिर फ्रोएबल ने? योर राइट आंसर इज आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया आपका ह्यूरिस्टिक मेथड. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ भी लिया है. ठीक है, यू कैन रेफर टू द लेक्चर्स. ठीक है, चलिए, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन इंक्लूड. टाइप्स होते हैं जो इवेल्युएशन के, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं एक्चुअली? प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, इवेल्युएटिव या फिर ऑल ऑफ द अबव. कौन सा इसमें से है? योर राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेंडेड लर्निंग इज. ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है भाई? ऑप्शंस क्या हैं आपके? लर्निंग थ्रू बुक्स, बुक्स के थ्रू लर्न करना. ठीक है, लर्निंग थ्रू नोट्स, नोट्स के थ्रू, या फिर ऑनलाइन लर्निंग प्लस फेस टू फेस लर्निंग. ऑनलाइन लर्निंग भी है, फेस टू फेस लर्निंग भी है, या फिर सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव. योर राइट आंसर इज ऑनलाइन लर्निंग प्लस फेस टू फेस लर्निंग. जो ब्लेंडेड लर्निंग होती है उसमें दो चीज़ें होती है, एक ऑनलाइन लर्निंग होती है, साथ ही साथ आपकी फेस टू फेस लर्निंग होती है. ठीक है, इसको आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन. इवेल्युएशन की करेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सी नहीं है? पहली है कॉम्प्रीहेंसिव, कंटिन्यूअस, बायसनेस या फिर नन ऑफ द अबव. कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही है? योर राइट आंसर इज बायसनेस. जब करेक्टरिस्टिक्स की बात होती है इवेल्युएशन की, कॉम्प्रीहेंसिव भी होती है, कंटिन्यूअस भी होती है, लेकिन इसमें बायसनेस नहीं होती. इवेल्युएशन जो है बायस्ड नहीं होती है. ठीक है, आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. हाइएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, कौन सा है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, या फिर नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं. राइट आंसर इज रिफ्लेक्टिव लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा भाई, ये जो माइक्रो टीचिंग का था, इसमें प्लान, टीच, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच, रीऑब्जर्व. नेक्स्ट है प्लान, ऑब्जर्व, टीच, रीप्लान, रीऑब्जर्व, रीटीच. नेक्स्ट है टीच, प्लान, ऑब्जर्व, रीटीच, रीप्लान एंड रीऑब्जर्व. लास्ट है आपका ऑप्शन ऑब्जर्व, प्लान, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच, रीऑब्जर्व. राइट आंसर क्या है भाई? राइट आंसर है आपका प्लान, टीच, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच, रीऑब्जर्व. ठीक है. नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन. नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपके ऑप्शन है फरवरी 26, 27, 28 और 29. योर राइट आंसर इज 28. फरवरी 28 को जो है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के बेसिस में से कौन सा नहीं है? व्हाट, व्हेन, व्हाई और हाउ. इनमें से तीन बेसिस है एजुकेशन के, लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा आपने आइडेंटिफाई करना है. योर राइट आंसर इज व्हेन. जो एजुकेशन की बेसिस की बात करें तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है क्या, क्यों और कैसे, लेकिन कब यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है. ठीक है. दीज आर द बेसिस ऑफ एजुकेशन. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे विद मी फॉर योर UGC NET प्रिपरेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.